गाइस वेलकम टू माय चैनल और नए साल का जो जोश है वो बहुत अच्छा है, दिलों में जोश बहुत अच्छा है और ए स्पेशल व्लॉग से आई एम गोइंग टू शो यू एन इवेंट व्हिच वी हैव डन व्हिच इज फॉर 31st ऑफ द नाइट और उसमें है सिर्फ का एक रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस जो कि उसके भी BTS आप लोगों ने देख लिए होंगे इंस्टाग्राम में, बट कुछ झलकियाँ आई एम गोइंग टू शो यू एंड एंजॉय दैट एंड ऑल्सो जस्ट अ क्विक मैसेज ऑफ विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड आपका 2022 बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही उम्दा हो. आप एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स लाएँ, आप अगर जॉब तलाश कर रहे हैं तो ड्रीम जॉब आपको मिल जाए, आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपका हेल्थ एकदम सही रहे एंड वॉट एवर गुड थिंग्स कैन हैपन प्लीज़ प्रे एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव कि ऑल द गुड थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ और कोशिश करिए कि सारी नेगेटिविटी को आप भूल जाएं. एंड माय न्यू ईयर रिचुअल, सी आई डोंट बिलीव इन मेकिंग आपके क्या बोलते हैं उसको, देखो मैं जानता भी नहीं हूँ क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशंस. हाँ, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग रेजोल्यूशंस बिकॉज आई फील कि रेजोल्यूशन कोई भी जब तक आप अपने दिल से उसको नहीं करना चाहते, कोई भी डेट या तारीख उसको फोर्स नहीं कर सकती है. सो आई फील इस 31st को और इस 1st को यू जस्ट गो आउट देयर, ब्रीद एंड से टू योर सेल्फ, पुट द मैसेज आउट देयर दैट यू आर गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक ईयर, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी पॉजिटिव ईयर और आपका नया साल आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए बहुत ही स्पेशल हो. थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड एन्जॉय द BTS. तो आते हैं हमारे एंडिंग द ईयर विद अ बैंग वाली जो इवेंट है जहाँ पे पूरा कलश परिवार एक छत के नीचे आता है और आप सबको भरपूर एंटरटेन करने की कोशिश करता है. आप शायद इसे देखने वाले होंगे या ऑलरेडी देख चुके होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा ये इवेंट. और यहाँ पे हमारा एक स्पेशल सिर्फ हैशटैग सिर्फ रोमांटिक परफॉर्मेंस भी था जो कि हम दिखाने वाले हैं आपको. एंड या सो गपशप हुई थोड़ी बहुत, हंसी मजाक हुआ और हम फिर बड़े हमारे रिहर्सल्स की तरफ और रिहर्सल्स बहुत ही अच्छा था क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद थे तो डांस स्टेप्स जो थे बड़े इजी थे. और फिर बारी आई परफॉर्मेंस की जो कि आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ये जो विजुअल है अभी आपके सामने. एंड आप जब इसे TV पे म्यूजिक के साथ देखेंगे तो और अच्छा लगेगा. और जिस लम्हे को बेसब्री से हमारा इंतज़ार था और आप सबको जिस लम्हे का इंतज़ार था वो आ गया, आरव और सिमर का रोमांटिक डांस सीक्वेंस. एंड द फ्लोर वॉज सेट, द स्टेज वॉज सेट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक टर्न टेबल रखा हुआ है और हम यहाँ पे डांस करने वाले हैं. सिमर यानी कि राधिका थोड़ी बहुत नर्वस थी क्योंकि हमें एक दूसरे की आंखों में देख के खो जाना था और जमीन नीचे घूम रही थी. तो अच्छे से रिहर्सल्स हो चुके थे एंड देन वी वेंट फॉर अ टेक और इट टर्न्ड आउट टू बी मैजिकल. एंड अगर आपको भी परफॉर्मेंस मैजिकल लगी तो डू लाइक दिस वीडियो. अगर आपने TV पे मिस कर दिया हो तो आप ऑनलाइन भी जाके दे सकते हैं, वोट पे ज़रूर होगा. एंड शेयर एंड सब्सक्राइब
दिस वीडियो दिस व्लॉग। मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी केमिस्ट्री कैसी लग रही है।